नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28। कानपुर देहात में दबंगों ने किसान के घर में घुसकर की मारपीट, चीनी गले की चैन मांगी, 10 लाख की रंगदारी न देने पर दी जान से मारने की धमकी। खबर उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर देहात के नेरा कृपालपुर गांव की, जहां पर दबंग आए दिन दंपति किसान के साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया। वही पीड़ित दिनेश पुत्र मूलचंद ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच पुलिस अधीक्षक को समस्या से अवगत कराया। पीड़ित दिनेश ने बताया कि वह 14 जुलाई को शाम को अपने घर में पत्नी मीरा दुबे के साथ खाना खा रहे थे, तभी उसी गांव के दबंग अपराधी अशोक कुमार पुत्र चंद्रभूषण, विशु पुत्र अशोक कुमार, नीलू पुत्र ब्रजेश कुमार अपने अन्य साथियों के साथ घर में घुसकर 10 लाख की रंगदारी मांगी। मेरी पत्नी मीरा दुबे कैंसर से पीड़ित है, मना करने पर मेरे ऊपर तमंचे की बट मार दी, जिससे मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मेरी पत्नी मुझे बचाने के लिए दौड़ी तो उसके साथ भी मारपीट की और गाली गलौज करते हुए गले में पहने सोने की चैन छीन कर फरार हो गया। दबंग आए दिन मारपीट करता है, हमारी खेती पर कब्जा कर रखा है। प्रशासन के यहाँ लगातार चक्कर लगाने के बावजूद भी अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए जानते हैं पीड़ित किसान दिनेश ने क्या कहा। कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या समस्या है भैया? समस्या ये है कि जो अशोक कुमार दुबे है, ये बहुत बड़े अपराधी है। इनके ऊपर गैंगस्टर वगैरह लगा है और करीब कानपुर में कई मुकदमे, उन्नाव में, हर जगह है इनके ऊपर। और उस दिन ही रात में हमारे पास घुस के आया तो हमारी तमंचा लगाया, खाना खा रहे थे, पत्नी हमारी ये सामने खड़ी है, वो कैंसर पीड़ित हैं, और ये सब आकर के तमंचा लगाया हमारे, फिर 112 नंबर को इन्होंने अंदर मारपीट की, बाहर मारपीट की है। इसके बाद जब हमारी पत्नी ने, जब हम होश में आए तो 112 को बुलाया, 112 ने हमको जब बरौर थाने के लिए भेजा, वहाँ जब गए तो पुलिस ने हमारे ऊपर दबाव बनाया सुलहनामे के लिए। हमने जब मना किया तो 151 में सुबह हमारे ऊपर चालान कर दिया। कोई हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जबकि डॉक्टरी होने चाहिए थी। हाथ में चोट थी और नीचे चोट थी हमारे। अपराधी लगातार मारपीट कर रहे हैं। हाँ, 10 लाख की फिरौती मांगते हैं। और आज आप कहाँ आए थे? आज यहाँ आए थे SSP साहब के पास। कौन गाँव का मामला है, क्या नाम है? थाना बरौर और वो नेरा कृपालपुर। नाम क्या है आपका? दिनेश कुमार द्विवेदी। तो आज आप यहाँ SP ऑफिस आए हैं? हाँ। क्या क्या आप? हाँ, SP साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। कहाँ कहाँ अप्लीकेशन दी अभी तक? अभी हमने DM साहब के यहाँ दी है और यहाँ दी है हमने SSP साहब को। अभी तक कोई अपराधियों पर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है।